एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर कई आरोप लगाए। सिंगार ने कहा कि सरकार की नीति और नियत दोनों ही गलत है। सरकार जनता से फर्जी वादे करती है। मुख्यमंत्री भले ही अपने संकल्प पत्र को गीता और रामायण के रूप में रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह झूठ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीति और नियत दोनों गलत हैं। प्रदेश की जनता से जो सरकार ने वादे किए हैं, उसमें वह मुकरती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना को अपात्र घोषित करने में लगे हुए हैं। 450 रुपये का गैस सिलेंडर देने की घोषणा हुई थी, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। 3100 रुपये में धान खरीद की बात कही थी, 2700 रुपये में गेहूं खरीद की बात कही थी, वह अब तक नहीं हो पा रहा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उससे कहीं ना कहीं मुकृति दिख रही है। भले मुख्यमंत्री जी इसे गीता के रूप में, रामायण के रूप में कहते हैं कि हमारा संकल्प पत्र है, लेकिन इनका संकल्प पत्र भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से लाडली बहनाओं को अपात्र घोषित करने में लगे हैं, 450 रुपए आप सिलेंडर के आप महिलाओं को जो आपने दिया, वादा किया था वो नहीं किया, धान की खरीदी की आपने 3100 रुपए बोला वो खरीदी नहीं हो रही, किसान परेशान है, 2700 रुपए गेहूं को लेके, तो सरकार की नीति और नियत दोनों गलत है। उसको लेके सभी विधायक जनता की आवाज में, प्रदेश की जनता के लिए आवाज बुलंद करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।